अपनी दिशा पता करो और निकल पड़ो। अपनी दिशा पता करो और निकल पड़ो। एक बाबा था बाबा लंबे लंबे बाल थे इधर जा रहा था तो जिधर जा रहा था हवा भी उधर की बह रही थी तो बाल मुंह पे आ रहे थे एक बार दो बार तीन बार दिमाग खराब हो गया इधर मुड़ गया बाबा ही तो है इधर जाऊं उधर जाऊं क्या फर्क है सुनो अगर जिंदगी में एक बार ठान लिया कि मुझे अमीर बनना है हवाएं बदलने से दिशाएं मत बदल देना छींका छांके आने से मच्छर काटने से दिशाएं मत बदल देना छोटा मोटा हिलावट आने से दिशाएं मत बदल देना नहीं दुनिया बकरी की शंगा देगी आपको शेर में बकरी में यही फर्क है जब रोड क्रॉस करते हैं ना तो दोनों का नतीजा अलग अलग आता है जब बकरियां रोड क्रॉस करती है तो आप और हम सब कहते हैं हट जा हॉरन बजाते हैं वो भागती है अपन बजाते हैं वो भागती है और शेर रोड क्रॉस करते टाइम बजा अपन कहते साइड में ले ले सारा साइड में हॉर्न ही उखाड़ ले जाएगा चुपचाप दे दे साइड में क्यों अब बापू जा रहा है अब बापू जा रहा है कहना आपको यह चाहता हूं जब जब जिंदगी में आप अपने डिसीजनों पे, अपने डायरेक्शंस पे मजबूती से लगातार बढ़ते रहोगे आप ग्रो करोगे आप जंप मारोगे जिंदगी में कई गुना आगे जाओगे शेर में यही तो एक खूबी है और कोई सी खूबी नहीं है जंगल में जब जब दुनिया में बड़े चुनाव और बड़ी योग्यताएं बात करते हैं तो उस गरीब का नाम कहीं नहीं आता सबसे भारी कौन हाथी गरीब का नाम नहीं आया सबसे लंबा कौन जिराफ गरीब का नाम नहीं आया सबसे तेज कौन चीता गरीब का नाम नहीं आया सबसे दिमाग वाला कौन लोमड़ी गरीब का नाम किसी टैलेंट में नहीं ते 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 ते। जब पूछा जाता है जंगल का बाप कौन एक ही क्यों उसकी डेस्टिनेशन उसकी डायरेक्शन को कोई हिला नहीं सकता हिला नहीं सकता जिस शिकार को करने में 40 सेकंड लगाता है ना उस डायरेक्शन को बनाने में 40 मिनट लगाता है चोट वहां करता है जहां से गंगोत्री निकलती है कुत्ते के लाठी मारो शेर के लाठी मारो रिजल्ट अलग अलग आएगा <laughs> कुत्ते के लाठी मारते हैं तो कुत्ता लाठी को पकड़ता है यह समझता है लाठी मार रही है और किसी का रोल नहीं और इसके मार के देखो लाठी की तरफ देखिएगा भी नहीं जिधर से मारी जा रही है कार्यक्रम समाप्त इसलिए बापू है वो वो चोट वहां करता है जहां से गंगोत्री निकलती है अगर एक बार डायरेक्शन ले लिया कि इस बिजनेस में अमीर और कामयाब बनूंगा उसके बाद आप फिर भी बीच बीच में बीच बीच में छीका छाके में उलझ गए रे नहीं होगा रातों रात कामयाबी में 20 बरस लगते हैं, दोबारा 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 नेपोलियन हिल से पूछा आपके जीवन का निचोड़ क्या है कि मैंने दुनिया के पच्चीस हजार से ज्यादा बेहद कामयाब अल्ट्रा रिच बेहद अल्ट्रा सक्सेस लोगों की जिंदगी का निचोड़ निकालकर अगर आपको बताऊं तो उन्होंने बोला रातों रात कामयाबी में 20 साल लगते हैं वो रातों रात किस साइज की है 20 साल ऐसा डायरेक्शन चाहिए अगर सचिन तेंदुलकर भी दो साल के बाद जब ये लगा रहे सेंचुरी बनती नहीं है इसमें कोई चलता ही नहीं है अब तो वॉलीबॉल खेल लेता हूं वो भारत रत्न तो नहीं होता अमिताभ बच्चन को भी एक्टिंग में कुछ दिनों के बाद अगर ये कीड़ा काटता अरे नहीं रे इसमें नहीं होगा अब अब डांसर बन जाता हूं खिलाड़ी बन जाता हूं लता मंगेशकर गाने को बदल के कुछ कर लेती अगर डायरेक्शन बदलते जाओगे धरती की किसी डायरेक्शन में आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा अगर एक बार संकल्प ले लिया ना इस बिजनेस में, में अमीर बनूंगा मां कसम दुनिया इधर से उधर हो जाए मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ और मेरे प्रोफेशन के साथ लगातार इस डायरेक्शन में आगे ग्रो करूंगा इतना आत्मा से संकल्प चाहिए लॉ ऑफ डायरेक्शन लॉ ऑफ डायरेक्शन कहता है आपको अपने जीवन को कुछ मूल्यांकन करना होगा मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पे लिखा हुआ है आप भी अपना मूल्यांकन करो आर्थिक जीवन में क्या चाहते हो आर्थिक जीवन में क्या चाहते हो आप धन के मामले में क्या चाहते हो अब ये मत बोल देना वृद्धाश्रम खोलूंगा खुद भर्ती होने के लिए मत खोलना अब डायलॉग नहीं चाहिए अनाथ आश्रम खोलूंगा खुद अनाथ बन जाएंगे मैं जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं उसके अलावा नहीं जाना आप सब लोगों से पूछना चाह रहा हूं कितने बोल पाएंगे वो आपके ऊपर है धन के रूप में आपको कहां तक जाना है रोकड़ा बोलो अपना अपना, अपना बोलो रोकड़ा बोलो अप यस सर फिगर अभी रोकड़े की बात है जोर से कितना वेरी गुड ग्यारह करोड़ तीन लाख पर डे दो सौ लोगों में से तीन बोले तीन अब आप इससे ये तो समझ सकते हैं ना कि धन की बात भारत में करते टाइम कितनी कितनी वाइब्रेशन टेंशन वाली होती है धन की बात होना भयंकर वो है धन की बात ऐसे लगता है जैसे कोई कोई ऐसे नहीं ऐसे हो ऊर्जा है अदृश्य शक्तियां और जितनी ताकत है दृश्य में होती है उतनी दृश्य में नहीं होती है बिजली वायर में से जाती हुई दिखती नहीं है एक बार छू के देख लेना पता चल जाएगा ताकत कितनी है। उधर से बोल रहे थे कोई हाँ आपने किसी ने हाथ खड़ा किया था चार लोगों ने बोला है यस सर पंद्रह हजार करोड़ पंद्रह हजार करोड़ कब तक अभी कितनी है ग्यारह में पंद्रह हजार करोड़ मॉडल बनाने होंगे आपको पूरे यस yes? हाँ जी क्रॉस करना गुड पचास लाख गुड एक करोड़ सालाना दो सौ में से दस लोग बोले हैं इस बात का मतलब बता सकते हो कोई यही बता दो वैसे नहीं बता रहे हो आप यही बता दो खुद की गवाही नहीं देती खुद को यकीन नहीं होता ऐसा भी हो सकता है क्या आपको प्लानिंग तो करनी ही होगी करनी ही होगी यकीन नहीं अभी आपको कि आप कामयाब हो सकते हैं अभी यकीन नहीं है आपको कि आप पैसा कमाएंगे और पैसा यकीन के अनुपात में कमाया जाता है विश्वासों के अनुपात में कमाया जाता है आर्थिक जीवन में क्या चाहते हो यह पता करो यहां नहीं भी बताओ ना तो तो चल जाएगा लेकिन पता ही नहीं किया कि जिधर जाए उधर सही नो डायरेक्शन डायनेमो मत बन जाना